नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मध्य प्रदेश के दतिया में बीती चार दिनों से लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर पुलिस अधीक्षक कमल सिंह राठौर ने स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में अपने अधीनस्थों के साथ एक बड़ी बैठक की और पुलिस को पूरी तरह से सजग और सतर्क करते हुए अज्ञात चोर गिरोह को जल्द हिरासत में लिए जाने के निर्देश दिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बीती दिनों दतिया नगर के चौराहे पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए के माल पर अपना हाथ साफ किया हुआ था। इस घटना के दूसरे दिन दोपहर करीब 2 बजे बस स्टैंड के निकट सुंदरानी पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक बड़ी मोटर टायर की दुकान में हेलमेट धारी बाइक सवार लुटेरे ने नगद 2 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मोहन ने बताया है कि जल्द ही अज्ञात चोर गिरोह पुलिस की हिरासत में होंगे। पुलिस अधीक्षक कमल सिंह राठौर के द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। आज थाना जिगना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। थाना प्रभारी भास्कर शर्मा एवं उनकी टीम ने 2 अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को हिरासत में लिया है। इन चोरों के पास से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के यह 2 चोर ग्वालियर चंबल संभाग सहित यूपी के भी कई इलाकों में वारदात गठित करने में सक्रिय थे। देखिए हमारे संवाददाता रजनी लटोरिया की यह खास रिपोर्ट। दूसरा ढाला जल्दी, और वो किसी को फोन लगा रहा था बार बार कि वो ट्रैक्टर आ रहा है, सरपंच साहब अंदर नहीं जाएंगे ट्रैक्टर लेके। फिर मैं वो दोबारा चला गया, पाठक जी हमारे जो जिनको छोड़ गया था वो कहीं चले गए थे। मैंने दूसरे लड़के को बोला तो वो उसे ये लगा कि कोई नहीं है दुकान में, बाहर से ही देखना है, तो वो खंभे के बगल से देखता रहा, वो अंदर बैठा रहा ग्राहक। जब तक मैं आया तब तक उसने गुल्लक तोड़ी और उसमें रखे हुए पैसे ले गया। कितने पैसे थे? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए थे। पुलिस को सूचित किया। हाल के हाल में थाने गया, थाने से कुछ आए थे लोग, उनने कार्रवाई की है। अभी मैं FIR भी करा के आया हूँ। क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है? कोई मुखबिर होगा। सुबह हमारे ये ठेला वालों ने बताया सर आपके जो ताला टूटा हुआ है। हम लोग आए यहाँ देखा, पूरा ताला टूटा हुआ पड़ा था। सुबह सर हम आ गए थाने, रिपोर्ट लिखवाई। क्या सामान गया? अपना कॉपर वायर पुराना पर बाइंडिंग करते हैं वो चला गया है, पुराना और नया भी लेते रखते हैं वो भी चला गया। कितने पैसे का होगा? लगभग 1.25 लाख के करीब आसपास का है। पिछले एक हफ्ते में तीन चार चोरियां हो गई हैं जिगना में, कोतवाली थाना क्षेत्र में, और इस पे हम लोग गंभीरतापूर्वक माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने कल सभी थाना प्रभारियों को मीटिंग लेकर के सबको निर्देशित किया गया है कि इसके पीछे पड़ जाए। कोई गैंग है जो बाहर से निश्चित रूप से मूवमेंट कर रही है, जो रात को मूवमेंट कर रही है, और लगातार हमने जिगना क्षेत्र में गश्त को भी बढ़ाया है, शहर में भी गश्त को बढ़ाया है। जैसा कि आपने कल देखा है, कल जिगना पुलिस ने पूरा एक चोर गिरोह पकड़ा है जिससे 8 मोटरसाइकिल पकड़ी हैं। इसी प्रकार से अन्य थानों में भी हम लोगों ने सभी अपने मुखबिर और थाना प्रभारियों को सक्रिय किया गया है, और गश्त को भी हमने बढ़ावा दिया है जिससे कि चोरियाँ रुका हो सके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इन चोरियों का भी खुलासा करेंगे।